यहाँ पर मिल सकते हैं हमारी उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक। लेकिन हमारे साथ हमारे एक और मेहमान जुड़े हैं, सुनील सुब्रमण्यम, सुंदरम म्यूचुअल फंड के। सुब्रमण्यम साहब, स्वागत है आपका। ये जो मिड कैप स्पेस है, इसको राहत अब भी नहीं मिल रही है। इंडेक्स पे आप देखिए, सेंसेक्स ने पिछले सेशन में हाई बनाया, निफ्टी भी उसके काफ़ी करीब पहुंच गया, लेकिन आज बाजार खुलने के बाद अभी आधे घंटे का ट्रेड हुआ है, इस समय मिड कैप में आप देखेंगे अगर दो स्टॉक ऊपर हैं तो 7 स्टॉक्स नीचे हैं। क्या चल रहा है इसमें? क्या चल रहा है कि ये जो रैली हुई थी सेंसेक्स और निफ्टी में, जो आप कह रहे हैं ना, वो ज़्यादातर एक डिफेंसिव ड्रिवन रैली है। यानी आईटी, रिटेल कंजम्पशन, फार्मा, ऐसे एक बहुत लोकलाइज डिफेंसिव सेक्टर्स का बाउंस बैक आपने देखा। तो नेचुरली मिड कैप इंडेक्स में साइक्लिकल्स का वेट ज़्यादा होता है और डिफेंसिव्स का कम। तो नेचुरली जो इम्पैक्ट आप देख रहे हैं सेंसेक्स के ऊपर, उसका थोड़ा वक्त लगेगा मिड कैप इंडेक्स में देखने के लिए। क्योंकि अब की जो रैली जो थी, ये थी कि एक रियलाइजेशन FIIs के अंदर कि टैरिफ वॉर के कारण इंडिया विल बी अमंग द लीस्ट इम्पैक्टेड कंट्रीज। इसलिए अभी देखें तो FII फ्लोज थोड़ा इक्विटी में, उतनी आउटफ्लोज नहीं थी जितनी पितने डेट से आउटफ्लोज हो रही है, मगर नॉट फ्रॉम इक्विटी। तो ये जो चीज़ है ना, तो एट द डेल्टा जो FIIs की जो सेलिंग थी वो लार्ज कैप्स में बहुत कम थी और डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास तो बहुत पैसा है, तो म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बट एट दिस टाइम क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक सीन में इलेक्शन के कारण, एक डिफेंस की ओर अलोकेशन बढ़ रहा है सभी फंड मैनेजर्स का। सो नेचुरली उसमें लार्ज कैप्स का परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म में बेहतर दिखेगा बिकॉज ऑफ दी लो कॉम्पोनेंट ऑफ डिफेंसिव इन द मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स। ओके, एक और चीज़ जो शायद बाजार का मूड बिगाड़ रही है, जिस तरह से देखिए अभी PC ज्वेलर्स ने भी अपना बायबैक कैंसिल कर दिया। इसके पहले हमने देखा था वक्रांगी में ऐसे ही होता हुआ। एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला इशू अभी भी चल रहा है मिड कैप स्पेस में, ऐसा लगता है? नहीं जी, मिड कैप स्पेस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस मिड एंड स्मॉल कैप में नेचुरली एक अहम स्थिति रहती है और स्टॉक्स खरीदने में आपको उसके लिए एक हायर अलोकेशन देना होगा। जैसे लार्ज कैप में उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि वेल रिसर्च कंपनीज है, मैनेजमेंट भी वेल डाइवर्सिफाइड है। सो नेचुरली स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस में ओनर्स, क्योंकि वो करीबन 50-60% स्टॉक अपने आप रखते हैं और उनकी जो फाइनेंसिंग के लिए जो ऑप्शंस उनको करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है, तो अपने शेयर्स को ब्लॉक पे रखते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं। तो इसके कारण ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है मिड कैप स्पेस में। इसलिए हम ऑलवेज कहते हैं कि मिड कैप इंडेक्स या मिड कैप में खरीदारी आपको बॉटम अप अप्रोच से करना चाहिए, यानी टॉप डाउन सेक्टर को लेके हम सभी स्टॉक्स उस सेक्टर में नहीं खरीद सकते। वेरस लार्ज कैप में अगर आप ऐसे करते, यानी सभी आईटी चल रही है तो आपने TCS, इंफोसिस सभी लार्ज कैप खरीदा, तो नेचुरली कुछ आपको रॉन्ग जाने की चांसेस नहीं है। हेलो सर, सुनील जी आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा टॉप डाउन अप्रोच ले और फोकस अच्छी स्टोरीज पर रखे, राइट? या नहीं, मिड कैप में बॉटम अप रखना चाहिए क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर बॉटम अप करे तो ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये बाहर आएगा। तो मैं कह रहा हूँ लार्ज कैप में टॉप डाउन चलेगा, मगर मिड कैप में नहीं चलेगा। मिड कैप में आपको बॉटम अप स्टॉक स्पेसिफिक रिसर्च करके खरीदना चाहिए, इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक अहम चीज है। एक दो स्टॉक्स जो एक्टिव दिख रहे हैं और मंदी की तरफ ही गिरने लगे हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और कर्नाटका बैंक। प्रकाश से देखिए, इसमें बिकवाली की पोजीशंस अब तेजी से आ रही हैं, क्या शॉर्ट करेंगे दोनों को जाते जाते? अब ओरिएंटल बैंक तो यस करूंगा क्योंकि लो न्यू लो पे चल रहा है, स्टॉप होगा कुछ 72 का, शायद 65-60 ये एक जोन है, वहां तक स्लाइड होने की पूरी संभावना है, ओरिएंटल बैंक शॉर्ट बनता है। ठीक है, रही बात कर्नाटका बैंक की, वेल चार्ट निकाल लेते हैं कर्नाटका बैंक और देखें वहां पर हाल क्या है। कर्नाटका बैंक आई थिंक यस, कर्नाटका बैंक में मुझे लगता है वीकनेस अब भी है, 114 का स्टॉप होना चाहिए, लो लेवल देखने को मिल सकते हैं करीब अराउंड 107 का। बैंकिंग स्टॉक्स में तो आप मुझे लगता है जो भी हाथ में आ रहा है लोग बेच रहे हैं। आप IDBI बैंक देख लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया देख लीजिए, IDFC बैंक देख लीजिए, इन सब की लगातार पिटाई हो रही है। बैंकिंग स्टॉक्स खासतौर पर जो सेकंड लाइन बैंक्स हैं उन पर व्यू काफ़ी बेरिश है। हालांकि निफ्टी बैंक देखिए टिक रहा है 26,795 की तरफ, थोड़ा सा सपोर्ट नेशनल लेवल्स में मिलता हुआ नजर आया। सेंसेक्स इस बीच पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, एक टिक मुझे ऊपर की दिखी भी थी, सिर्फ 2 पॉइंट का नुकसान है। लेकिन मार्केट ब्रेथ आप देखेंगे तो गिरने वाले शेयरों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इस समय NSE पे 400 के करीब शेयर्स ऊपर हैं और 1400 शेयर्स में गिरावट देखने को मिल रही है। यही इक्वेशन है जो इसकी हम बात कर रहे थे, इसमें कहीं राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वक्त है लेकिन अपने सभी मेहमानों से इजाजत लेने का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक छोटे से ब्रेक के बाद
बात करेंगे कमोडिटी बाजार की, प्रियंका जुड़ेंगे हमारे साथ।